गाइस वेलकम बैक टू लीगल टेक्स। आज के हमारे नए वीडियो जो है वो हमारे ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के ऊपर है। जब एप्लीकेंट ट्रेडमार्क अप्लाई करता है, उसके बाद जब एग्जामिनर चेक करता है, फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्शन आना होता है, जिस भी सेक्शन में आना होता है, तो वो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। कि अभी जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, वो सेक्शन 9 के ऊपर करेंगे, 9A को कवर करेंगे हम। बाकी जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सेक्शन बी, 9B और सेक्शन 11 के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो हमारी सेक्शन 9A के ऊपर है, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन। सबसे पहले कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन होता क्या है, तो थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेते हैं कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन किसे कहते हैं। व्हेन ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इज एग्जामिन्ड बाय द ट्रेडमार्क एग्जामिनर, द एग्जामिनर इश्यूज एन एग्जामिनेशन रिपोर्ट दैट इज लिस्ट डाउन द डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्शन। दीज ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन। द रिपोर्ट इशू इज कॉल्ड एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन रिपोर्ट और ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन रिपोर्ट। जब जो एग्जामिनर होता है, जब आपका जो एप्लीकेंट है, आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं, जब एग्जामिनर सारी रिपोर्ट चेक करता है, वहाँ पे जो भी वो ऑब्जेक्शन दिखाता है कि किस चीज़ में आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है, क्या चीज़ आपकी डिफरेंस है या क्या आप किसी से सिमिलर हो रही है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, जब एग्जामिनर कोई इशू बताता है आपके आपके जो ट्रेडमार्क अप्लाई में है, तो उसको सिंपली ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन कहते हैं। और जो भी रिपोर्ट आपको इशू की जाती है, उस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन रिपोर्ट कहते हैं, जो कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन रिपोर्ट भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा ब्रीफ था कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट आर द टाइप ऑफ ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन। जो ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन है वो कितने टाइप के होते हैं, तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन रेज्ड इन ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन रिपोर्ट। दो तरीके के जनरली होते हैं। एक जो फर्स्ट टाइप होता है, सेक्शन 11 बेस्ड ऑन सिमिलर मार्क्स ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड। सेक्शन 11 क्या होता है कि ये किस चीज़ पर बेस्ड होता है, सिमिलर। अगर कोई भी आपका कोई भी चीज़ किसी से जो रिकॉर्ड है उससे सिमिलर है, तो उसका मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सेक्शन 11 में आया है। देन उसके बाद सेकेंड टाइप होता है आपका सेक्शन 9 ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन नॉन डिस्टिंग नेचर और डिस्पेक्टिव नेचर। यानी कि जो भी आपका, जो भी आप ट्रेडमार्क ने आपने अप्लाई करा है, जो भी आपका वर्ड है, मार्क है, वो बहुत ही कॉमन है, तो उस चीज़ के ऊपर आपका आता है सेक्शन 9। उसके बाद इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं बट इस सेक्शन 9A ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन। जो सेक्शन 9A है वो क्या होता है, जैसे कि सेक्शन 9 के दो पार्ट होते हैं, एक सेक्शन 9A होता है और सेक्शन 9B। तो इसमें हम सेक्शन 9A के बारे में बात करेंगे कि सिंपली वो होता क्या है। सेक्शन 9(1)A प्रोहिबिट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स विच आर डिवॉइड ऑफ एनी डिस्टिंक्ट character, a word or words to be really distinct of a person, goods must be generally incapable of application to the goods of anyone else. जो सेक्शन 9 है, सिंपली मैंने आपको बताया कि सेक्शन 9 यही होता है कि अगर आपको जो भी ट्रेडमार्क आपने अप्लाई कराया है, या तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन नेम आपने अप्लाई कराया है, या फिर आप जो बिजनेस करते हैं उसी से मिलता जुलता आपने यूज़ किया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आपने जो बिजनेस है, आप सोप का बिज़नेस कर रहे हैं और आपने जो अपने जो ब्रांड का नाम है वो ये लिख दिया कि यूनिक सोप। मान लीजिए ये आपका ब्रांड का नाम है यूनिक सोप, और आप सोप का ही काम कर रहे हो, वही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया, सिमिलर हो गया, तो इस चीज़ का आपको सेक्शन 9A पे क्या आ जाता है, ऑब्जेक्शन आ जाता है। That means trademark examiner is of the opinion that your trademark non-distinct, it has no unique connect character. मतलब ये examiner इसी चीज़ पर objection कर सकता है कि जो भी आप use कर रहे हैं ना, तो वो unique है और वो बहुत ही ज़्यादा common है। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि section 9 किस तरीके से आ सकता है, किस किस उस पर आता है, तो हम एक examination report के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक applicant का examination report है, इसमें जो है इसका जो ऑब्जेक्शन आया वो किस पे आया, सेक्शन 9(1) पे आया है। तो इसमें क्या था कि इनका जो नेम है डबल ट्री, इनका जो ट्रेडमार्क नेम है वो डबल ट्री नेम है। सेक्शन 9 पे आप किस चीज़ पे आया, तो इन्होंने जो यूज़ किया है श्री, श्री बहुत ही ज़्यादा कॉमन नेम है, आप किसी भी चीज़ में यूज़ करते हैं, आप किसी के नाम में यूज़ कर सकते हैं, श्री ऑलरेडी फेमस ब्रांड है, तो मतलब श्री बहुत ही ज़्यादा कॉमन नेम है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डेली बेसिस है किसी भी चीज़ में यूज़ करने वाला ऐसा वर्ड है। तो इस चीज़ पे एग्जामिनर ने मतलब कि ऑब्जेक्शन दिखाई कि ये बहुत ही ज़्यादा 9(1) पे आया है, 9(1)A पे आया है, ये कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन नेम है, तो इस वजह से इसका
ऑब्जेक्शन आ गया है, तो आप समझ गए होंगे सेक्शन 9A किस चीज़ पे आ सकता है, कि आप ऐसा वर्ड आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है या फिर आपके बिजनेस से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। मान लीजिए अगर आप शैम्पू का वर्क कर रहे हैं और आपने अपने ब्रांड का नाम ही कोई भी इन्फिनिटी शैम्पू या कुछ भी ऐसा रख दिया है, तो आपका जो है सिमिलर है, इसका मतलब कि आपका ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो जब भी आप कोई भी ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के यूज़ करें कि आपका जो ऑब्जेक्शन में ना आ जाए, फिर उस चीज़ का फिर उसका रिप्लाई फाइल करना, उसको बताना कि आपका कैसे अलग है, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ टू रिप्लाई ट्रेडमार्क सेक्शन 9A ऑब्जेक्शन। अगर जब आप ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन का रिप्लाई फाइल कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या बेसिक चीज़ें उसमें पता होनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट आपको ऐड करना है, जिससे कि एग्जामिनर को समझ आए कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो यूनिक है या फिर क्या कैसे अलग है। तो उसके बाद बात करते हैं कि पहला हमारा पॉइंट है, व्हेन ट्रेडमार्क एग्जामिनर स्टेट दैट योर मार्क ऑन डिस्टिंक्ट हाइलाइट्स ऑल क्रिएटिव फीचर्स ऑफ द मार्क इन ट्रेडमार्क एग्जामिनर रिपोर्ट। जब भी आप कोई ऑब्जेक्शन अप्लाई फाइल कर रहे हैं, तो उसमें एग्जामिनर को आपको हाईलाइट करनी पड़ेगी वो चीज़ें कि आपने क्या क्रिएटिव फीचर्स इसमें यूज़ करे अपने ट्रेडमार्क के नेम में, कैसे वो अलग है किसी और के ब्रांड के नेम से। उसके बाद है, यू नीड टू पॉइंट बाय पॉइंट लिस्ट ऑल यूनिक फीचर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्क। माने मतलब कि आप जब भी आप अपने रिप्लाई फाइल कर रहे हैं, उसके अंदर आप ये पॉइंट ज़रूर मेंशन करें, उस मतलब ऐसे क्लियर होना चाहिए एग्जामिनर को कि लिस्ट एक बना लो आपकी, एक एक करके उसको समझिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी यूनिक है, कैसे आपका जो ब्रांड नेम है वो अलग है, और इसमें क्या आपका यूनिक चीज़ हुआ है, मतलब सारी चीज़ें इसमें बतानी है लिस्ट टू लिस्ट करके कि कैसे आपके जो फीचर्स है वो अलग है या आइडेंटिफाई कर रहा है। यू नीड टू स्टेट सिमिलर एग्जाम्पल, यानी कि अगर आप उसमें कोई एग्जाम्पल शो भी कर रहे हैं किसी का, जब आप अपना रिप्लाई फाइल कर रहे हैं, तो वो मतलब उसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ और एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने ट्रेडमार्क को समझाने के लिए, एग्जामिनर को कुछ समझ ही ना आए। तो यानी कि जब भी आप कुछ रिप्लाई फाइल करें, जो भी आपका ऑब्जेक्शन है उस पर रिप्लाई फाइल करते हैं, तो सबसे पहले तो एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आपका कैसे ब्रांड अलग है, क्या आपने उसमें मतलब एक डिस्टिंक्टिव आनी चाहिए, क्या आपकी आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें उसको क्लियर समझ आनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ एडिशनल डिटेल्स, ये कि आप जब कोई भी रिप्लाई फाइल कर रहे हैं, तो कुछ अच्छे एग्जांपल के साथ अपने ब्रांड को डिफरेंस बताएं। ठीक है, जब भी आप कोई रिप्लाई फाइल करते हैं, तो या कुछ भी आप ट्रेडमार्क से रिलेटेड कुछ भी वर्क करते हैं, तो सबसे पहले तो आपका कोई भी प्रोफेशनल से ही करवाए। आप खुद करेंगे तो 100% कुछ ना कुछ चांसेस है कि कुछ इशू हो जाए, कुछ गलती हो जाए। तो जब भी आप कुछ भी रिप्लाई फाइल कराते हैं या कुछ भी रिन्यूअल कराते हैं या कुछ भी ऐसा कोई वर्क करते हैं, तो आप प्रोफेशनल के यूज से ही करें, खुद ना करें। उसके बाद है कि वेयर यू कैन चेक फॉर ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन रिपोर्ट। अगर आपको खुद भी ऑब्जेक्शन रिपोर्ट चेक करनी है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो यहाँ पे है कि आपके पास सबसे पहले यू नीड टू हैव योर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर विद यू, यही कि आपके पास अपना ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। बाकी यहाँ पे कोई दो वेबसाइट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, और यहाँ पे लिखा है यू नीड टू क्लिक एट द राइट एंड, मतलब ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे खुद चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर ले रखा है ऑलरेडी किसी का, तो आपको सिंपली गूगल पे जाके जहाँ पे चेक करके हम बताते हैं, सिंपली ई रजिस्टर पे जाना है, ये आपकी पहले वेबसाइट दिखेगी, इस पे जाके आप ये देखेंगे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रजिस्टर मार्क, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाएंगे, इसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे आप डाल देंगे, देन उसके बाद जो भी यहाँ पे इसको कैप्चा दिया है, ये आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका ट्रेडमार्क नंबर हो गया। उसके बाद जैसे कि हम इसकी व्यू एग्जामिनेशन रिपोर्ट, मतलब ये ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है, बट आपको एक एग्जांपल के क्राफ्ट के थ्रू समझाएं कि कैसे आप एग्जामिनेशन रिपोर्ट अपना खुद निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आपका जो है ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट ये आ गई। ठीक है, ये था हमारा दिन। उसके बाद है कि मतलब ये कि आप हमसे क्या वर्क कर सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, जैसे कि जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब्स हो रखे हैं, उन्हें पता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो कौन सी है। अगर कोई न्यू है, तो आप सिंपली legaltax.in पे जाएंगे, तो ये जो है and
पॉइंट आप legaltax.in पे जाएंगे तो ये हमारे कुछ इस तरीके की वेबसाइट है, legaltax.in में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे हमारी बहुत सारी सर्विसेज के बारे में बताया, टैक्स सर्विसेज है आपकी, लाइसेंस सर्विसेज हो गए, IPR सर्विसेज हो गए, लीगल सर्विसेज हो गए, आप यहाँ से भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेल आईडी मेंशन है, नंबर मेंशन है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, मेल कॉल, तो ये बहुत सारी चीज़ें अगर आप खुद भी यहाँ पे कुछ भी जाके किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, खुद भी स्टडी कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही था ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के ऊपर। अगर किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या तो हमारे नंबर पे जाके आप कॉल भी कर सकते हैं या हमें कुछ मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको खुद भी मतलब आपका जो ऑब्जेक्शन है या कुछ चेंज चेक कराना है हमसे, तो आप सिंपली हमें अपना एप्लीकेशन नंबर शेयर कर सकते हैं, या आपको ट्रेडमार्क अप्लाई कराना, आपके पास कोई नेम है या फिर आपको चेक कराना है कि आपका जो नेम है वो सिमिलर है या नहीं, तो इस चीज़ के लिए भी आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं, हमसे क्वेरी कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो हमारी ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के ऊपर 9 सेक्शन 9 के ऊपर थी। नेक्स्ट वीडियो हमारी 9B के ऊपर होगी और सेक्शन 11 के ऊपर होगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।